नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, चाहे बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में फंदे चाहिए, तो मैंने 14 फंदे सिलाई में डाले हुए हैं और दो लाइन का बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद आप इसी रंग के ऊन से दो लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। ये डिजाइन का लाइन नहीं है बल्कि ये बेस लाइन है। तो बॉर्डर बनाने के बाद इसी रंग के ऊन से हम पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। दो लाइन बुनने के बाद तीसरी लाइन से हमारा डिजाइन शुरू होगा, तो मैं ये बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो तीसरी लाइन से हमारा डिजाइन शुरू होगा। अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, दो फंदों के बाद, एक और दो, दो फंदों के बाद हमने दो लाइन अभी प्लेन बुना था ना, तो दो फंदों के बाद दो लाइन नीचे आएंगे। देखिए, एक और दो, दो लाइन नीचे आएंगे और एक हम लूप निकालेंगे। लूप निकाला, फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। एक दो, फिर से देखिए, दो फंदों के बाद देखिए दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में नीचे की तरफ हम आएंगे, दो लाइन नीचे। देखिए, दो लाइन नीचे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, अब जिन दो फंदों के बाद हमने लूप निकाला है उन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट, दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे लाइन के फंदे के बीच में दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे और दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए, दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदे के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे और फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। लास्ट में जो फंदा बचा है इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, ये हमने लूप निकाला था, तो इस लूप को हम ऐसे दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और इस फंदे के ऊपर ऐसे रखते हुए इन दोनों को एक साथ लेकर एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा उल्टा। अब इन दोनों को ऐसे लीजिए और यूं पलट लीजिए। पलट लिया, अब दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लें। फिर हमारा ये दो का एक हो गया, एक फंदा उल्टा। फिर फंदे को और लूप को एक साथ लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। अब लूप देखिए ऊपर की तरफ आ गया, इन दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बुना। नेक्स्ट, फंदे को और लूप को एक साथ लेंगे और ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए, लूप जो है वो ऊपर की तरफ आ गया, इन दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब दो का वापस एक हो गया, जो एक फंदा बढ़ा था वापस ये घट के बराबर हो गया। एक फंदा उल्टा, लूप को लिया, फंदे को लिया, लूप को लिया, ऐसे पलट लिया। अब लूप देखिए ऊपर की तरफ आ गया, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा। अब हम सामने की तरफ हैं और इस लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तीसरी लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे।
और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा। तो हमने चौथी लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन दिया। अब पांचवी लाइन में हम अपने पहले कलर के ऊन से बनाएंगे। तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, अब हम ये पहला फंदा और दूसरा फंदा, दो फंदों के बीच में हम आएंगे। ये एक और दो, दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, फिर दो फंदा सीधा, फिर एक दो, दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, फिर दो फंदा सीधा बुनेंगे। दो लाइन नीचे आएंगे, देखिए एक दो, दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, अगले दो फंदे सीधे। एक दो, दो लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे और फिर दो फंदा सीधा बुन लेंगे। लास्ट के तीन फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम वापस रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये डिजाइन का छठा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, इस तीसरे वाले जो हमने लूप निकाला था, इसको हम उठाएंगे और इन दो फंदों को गिरा के और इन दोनों के आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। अब लूप को और इस फंदे को, दोनों को एक साथ लेते हुए हम एक उल्टा फंदा बना लेंगे। देखिए, बढ़ा हुआ फंदा हमारा यहाँ पे घट जाता है, अगला फंदा उल्टा। फिर लूप को उठाएंगे और दोनों फंदों को गिरा लेंगे और लूप को इन दोनों फंदों के आगे कर लेंगे, इन दोनों फंदों के आगे कर लेंगे, ऐसे सिलाई पे चढ़ा लिया। और देखिए, इस लूप को और अगले फंदे को हम एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा उल्टा। ऐसे लूप में ऐसे सिलाई डालेंगे, इन दोनों फंदों को गिरा देंगे और फिर वापस बाई सिलाई में दोनों फंदों को चढ़ाएंगे और लूप को वापस ऐसे हम बाई सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब लूप को लेंगे और इस फंदे को लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। हमारा वापस फंदा घट के जो का त्यों हो गया, दो का एक हो गया, अगला फंदा उल्टा। जैसे देखिए, इस लूप में ऐसे सिलाई डालेंगे, इन दोनों फंदों को गिराएंगे, वापस बाई सिलाई में दोनों फंदों को चढ़ा लेंगे और लूप को इन दोनों फंदों के ऐसे आगे लगा देंगे। अब लूप को लेंगे और एक फंदे को, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे और अगला फंदा उल्टा। दो फंदों को लेंगे, लूप को और फंदे को, दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो दोनों को उल्टा। तो ये हमारा छठा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम वापस सामने की तरफ आ जाते हैं और सातवें लाइन में सभी फंदा हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदों को हम, सॉरी, पहला फंदा सीधा स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। सातवें लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। और अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये है डिजाइन का आठवां लाइन। तो आठवें लाइन में
सभी फंदा उल्टा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, शेष सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और डिजाइन देखिए बनके तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं 8 लाइनों को दोहराने से ये डिजाइन बनके तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है, डिजाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।